बीती रात दुर्ग के वार्ड क्रमांक 1 नयापारा में कुछ बदमाशों द्वारा गुंडागर्दी करते हुए वार्ड के एक युवक के साथ मारपीट की गई और उसके ऊपर चाकू से वार किया गया, जिसके विरोध में वार्डवासियों ने दुर्ग थाने का घेराव करते हुए आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग थाना प्रभारी से की है। दुर्ग थाने में पहुंचे ये सभी दुर्ग के वार्ड क्रमांक 1 नयापारा में रहने वाले लोग हैं, जो इन दिनों वार्ड में हो रही गुंडागर्दी और असामाजिक तत्वों द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों से परेशान हैं। आपको बता दें कि बीती रात वार्ड के सीधे साधे युवक के साथ नयापारा के कुछ गुंडा बदमाशों द्वारा बेवजह मारपीट की गई और उसके ऊपर चाकू से वार भी किया गया, जिससे युवक घायल हो गया और वर्तमान में चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। वार्ड में आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने और बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर वार्ड के पार्षद सहित वार्ड की महिलाएं सोमवार को दुर्ग थाने पहुंची और थाने का घेराव किया। अपनी बात मीडिया के समक्ष रखते हुए वार्ड 1 के पार्षद मनीष साहू व घायल युवक की पत्नी भारती साहू ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद ही पुलिस में बदमाशों की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं और वार्ड के लोग थाने पहुंचे हैं। सर कल बाहर से आए हैं 15 दिन से और उसके अपने दोस्त से मिलने गए थे रोड के पास और उसको बुलाकर चाकू मार दिए। और कुछ पुरानी रंजिश थी पहले आपके पति के साथ? नहीं 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 मैडम। कौन है वो युवक जिसने मारा है? चैन लाल साहू और नरेंद्र वर्मा। और अभी आप क्या चाहती हैं? अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे पति मौत के कुएं में हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरा पूरा खर्चा करे हो और सही सलामत मेरे पति घर पे आए और जीवन भर के लिए उसको जेल कर दीजिए। कल रात में कुछ गुंडा बदमाशों के द्वारा वार्डवासी एक सीधे साधे व्यक्ति को चाकू मारकर उसको अधमरा कर दिया है और उसके खिलाफ रात में ही FIR कराने के लिए आए थे उसके घर वाले परिचित, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, जिसके लिए हम लोग पूरे वार्डवासी महिलाओं के साथ थाना में आए हैं ताकि उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो और वो ऐसे इस प्रकार की घटना दोबारा वार्ड में ना हो। अगर यहाँ से हम लोग को कुछ अनुचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट SP के पास जाएंगे और गृह मंत्री के पास जाएंगे कि इस प्रकार की घटना हमारे वार्ड में आए दिन होते रहता है और वहाँ की महिलाएं बहुत ही पीड़ित है, बहुत ही परेशान है।